हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, अच्छा, आज का जो टॉपिक है आपका क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण का मतलब अपवर्तन के लिए जो पढ़े थे आप लोग नियम, क्या पढ़े थे? जब दो नियम पढ़े थे इसमें, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुकती है? अभिलंब की ओर। और दूसरा क्या पढ़े थे? ये अभिलंब है। दूसरा था जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। किस माध्यम से? सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। किधर भागती है? दूर। इसी स्थिति में क्रांतिक कोण आपको आसानी से मिलेगा, और इसी स्थिति को बताना भी है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? ये देख रहे हो कौन सा, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण ये है, आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण होता है, और यहाँ जो कोण है ये अपवर्तन कोण आर होता है। अब देखिए, अगर हम इस मान को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते आएँ, यानी यहाँ इसको इधर दबाएँ, किधर लाना है इसको? इसको इधर खींच के लाना है। जितना इधर खींचेंगे ये वाला उतना ही ऊपर जाएगा। कौन वाला? अपवर्तन कोण का मान उतना ही बढ़ेगा जितना इसका मान बढ़ाएंगे। आई का मान जितना हम बढ़ाएंगे यानी अपवर्तन कोण का मान, यही है ना? इसको बढ़ाने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसका मान 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 अंश का मतलब इसके सीध में पहुंच जाएगा। कौन? ये कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पर। तब जो इसका मान होता है, इसका मान आपतन कोण का मान, इसी कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। तब आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, इस स्थिति में जो आपतन कोण का मान होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो परिभाषा लिखिए, ये चित्र बहुत जरूरी है, बना लीजिएगा। इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दिए हैं, तो ये पहली वाली स्थिति थी। इससे क्या किए हैं? थोड़ा सा खिसका दिए हैं इधर, यानी कोण को बढ़ाए हैं, तो आपतन कोण यहाँ पर यानी इतना पहुँच गया। तब इसे आई इज इक्वल टू सी बोलेंगे। सी क्रिटिकल, क्रिटिकल सी आर आई टी आई सी ए एल है। क्रिटिकल का मतलब क्रांतिक होता है। आपतन कोण का मान, परिभाषा इसकी लिखिए क्रांतिक कोण की, आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए, इतना बढ़ा दिया जाए कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 अंश हो जाए। चित्र बना लिए। अब इसके बाद
परिभाषा लिखिए कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। तो आपतन कोण के इस मान को के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किस अक्षर से? स्मॉल सी से। इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब स्मॉल सी से करो चाहे कैपिटल सी से करो, लेकिन जो करना वो स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी अक्षर आप इसको दे सकते हैं। प्रदर्शित करते हैं आपतन कोण का वह अधिकतम मान, या फिर वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। उस स्थिति में जो आपतन कोण का मान होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद वाली जो हेडिंग है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, तो ये सब नोट कर लीजिएगा। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। अभी जो परिभाषा लिखे उसी से ही संबंध निकलेगा, उसी से ये संबंध निकल जाएगा। तो चलिए अभी क्या बताया गया कि आपतन कोण का अधिकतम मान जब अपवर्तन कोण के मान को 90 कर देगा, यही है अपवर्तन कोण, ये 90 अंश हो गया। ये कौन सा है? आर का मान। ये अभिलंब है। अब देखिए यहाँ जो कोण होगा इसे आई कहते हैं और इसे सी के बराबर मान लिया गया है। अब क्या मान लिया इसको? क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण को सी से, और यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश है। कितना है? 90 अंश। तो यही मान स्नेल के नियम में रखिए। किसके नियम में? स्नेल के नियम में। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल के नियम से बताओ, कोई बताए तो स्नेल का नियम क्या है? हाँ इधर से बताइए। हाँ बोलिए। ठीक है, एन इज इक्वल टू होता है साइन आई अपान साइन आर, यही क्या है? स्नेल का नियम, या फिर 1n2 बराबर होता है, पहले माध्यम से सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। अब चलिए यहाँ देख रहे हैं I का मान C के बराबर है और किसका मान? R का मान 90 अंश के बराबर है। तो ये दोनों मान रख दीजिए। तो यहाँ पर साइन सी हो गया अपान साइन 90 हो गया।
इधर वन एन टू है। साइन सी को ऐसे रहने दीजिए और साइन अरे 90 अंश का मान, साइन 90 का मान एक होता है, तो एक हो गया, ये इधर आ जाएगा, एक का गुणा इधर कर दीजिए तो वन एन टू इंटू वन, ये तो वही रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी एक का कोई मतलब नहीं है। तो वन एन टू बराबर कितना आ गया, साइन सी, साइन सी वन एन टू, ये पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और इसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, देखिए पहला माध्यम क्या है, पहला माध्यम इसमें सघन है, तो इसका उल्टा होगा, ये विरल माध्यम है, पहला सघन है, दूसरा माध्यम विरल है, तो ये क्या है, पहले का अपवर्तनांक, ये क्या है एन टू दूसरे का, तो इसमें ये चेंज रहेगा थोड़ा, समझ गए ना, एन वन ऊपर है एन टू नीचे है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक यानी टू एन वन, टू एन वन, तो यहाँ क्या होगा, टू एन वन इंटू वन इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन सी है। अब साइन सी को इधर भेज दीजिए और टू एन वन को इधर भेज दीजिए, तो वन अपान साइन सी हो जाएगा, और इधर क्या होगा, इधर होगा वन अपान टू एन वन, वन अपान टू एन वन है, इसको क्या लिख सकते हैं, वन एन टू, इसी को क्या लिखा जा सकता है, वन एन टू, वन एन टू इसको कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, ये वन अपान टू एन वन है, इसको लिखेंगे वन अपान एन वन बाई एन टू, तो एन टू कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, एन टू बाई एन वन हो जाएगा, तो एन टू बाई एन वन को क्या कहते हैं, वन एन टू कहते हैं, वन एन टू, और इसी को एन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, या तो इसे अपवर्तनांक का नाम दे दीजिए, तो यही संबंध आ गया कितना, एन बराबर वन अपान साइन सी, इस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे आपके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आपको इसी वक्त बता देते हैं, ये वाला पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, चलिए स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए इसको, या वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है, टॉपिक नहीं, अभी इस पर थोड़ा न्यूमेरिकल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए y के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है, क्रांतिक कोण का मान पूछा है। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन, यदि नोट करिए, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष, एयर टू ग्लास, यही ना, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, कांच का अपवर्तनांक दिया गया है तीन बटा में दो, तीन बटा दो है, तो निकालना है क्रांतिक कोण का मान,
किसका मान निकालना है, C का मान। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, यदि वायु के सापेक्ष जल कांच का अपवर्तनांक ग्लास, F आर एयर, G आर ग्लास, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है। 3/2 का मतलब 1.5 होगा, ये 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो 1.5 को 1.5 भी लिखते हैं, या ये भी लिख सकते हो, है ना, या तो यही दिया होगा, तो इससे कोई चिंता मत करिएगा। बता रहे हैं इसको लगाने का तरीका, ANG बराबर 3/2 दिया है, C का मान पूछा है। फार्मूला क्या है, चूँकि N बराबर होता है 1/sin C, ये होता है। अब देखिए N की जगह इसमें क्या दिया गया है, क्या दिया है, कितना दिया गया है, तीन बटा दो, या फिर पहले ANG लिख लीजिए, ANG बराबर 1/sin C होगा, और ANG का मान 3/2 है, 1/sin C हो गया। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये आ जाएगा sin C बराबर, sin C का इधर गुणा, इनको पूरे को उधर भेज दिए, तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 का मतलब 2/3, 2 में 3 से भाग देना है, 2 भागे 3 करोगे तो देखो क्या आएगा, भाग नहीं जाएगी, इसलिए दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18 हो गया, 2 आ गया, फिर 6 6 6 6 ऐसे बार बार आएगा। तो ये कक्षा 9 में आप लोगों को बताया गया है कि जब 2 से अधिक बार 5 से ज़्यादा संख्या आती है तो उसे काट करके 1 इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 0.67 हो जाएगा, कितना आ गया, 0.67, ऐसे बार बार आता रहेगा ये, तो कितना लिखेंगे इसे, 0.67। और ये साइन में, अब देखिए जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें ये भी दिया होगा कि साइन किसी का मान ये होगा, तो दिया गया है इसमें साइन 42 डिग्री का मान है 0.67, कितना दिया गया है, 0.67। अगर मान लो यहाँ 6 है दिया होता, केवल 7 नहीं होता, तब भी यही मान रखते। तो यहाँ क्या करेंगे, अब साइन 42 रख दीजिए, 2/3 के स्थान पर क्या रखेंगे, sin C बराबर sin 42। तो तुलना कर लीजिए, तो C बराबर क्या आएगा, तुलना का मतलब इसको छोड़ दीजिए क्योंकि दोनों तरफ है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, कोण कोण बराबर होंगे, तो C बराबर 42 अंश, यही है क्रांतिक कोण का मान। तो आ गया, आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ लिए होंगे अच्छी तरह से, और आगे के सवालों को आप लगाने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद वाला जो अगला टॉपिक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगला टॉपिक क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, अभी यहाँ पढ़े हो क्रांतिक कोण, इसी में बताते हैं थोड़ा सा। क्रांतिक कोण का मान क्या था, ये है पहला माध्यम, पहला माध्यम कैसा था, सघन माध्यम, पहला माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम विरल है। सघन माध्यम को ऐसे डैश डैश से दर्शा सकते हैं, इसलिए दर्शाया गया है, और इधर नीचे वाला है विरल, इसमें कुछ भी दर्शाया नहीं गया होगा, विरल माध्यम। ये कैसा माध्यम है, सघन।
अभी इसके पहले पढ़े हो कि ये किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण, इतनी फैला दी जाए या फिर इतनी इस एंगल को बढ़ा करके आए, आपतन कोण को बढ़ा करके आए कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, यानी जो पर अपवर्तित किरण है वो सीधे चली जाए किस पर, तल से होकर के, तब क्या होगा, तब क्रांतिक कोण का मान पता चलेगा। लेकिन अब यहाँ ऐसा माध्यम है विरल वाला, इस माध्यम में इसको आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, कब, क्रांतिक स्थिति में, यानी क्रांतिक कोण की स्थिति में। बताइए इसमें आ रही है किरण, विरल माध्यम में आ रही है, नहीं आ रही है। अब वो कहाँ से जा रही है, उसके तल से जा रही है, जो विरल माध्यम और सघन माध्यम का तल है उसी तल से निकल गई। अब देखिए इसका मान और बढ़ा दिया जाए, किसका मान, आई का मान और बढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, बताओ क्या होगा। ये जो यहाँ से जा रही है तल से होकर के, ये तल से होकर नहीं जाएगी, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में चली जाएगी, यानी आर का जो मान है ये क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, 90 डिग्री से, आर का मान 90 अंश से बड़ा हो जाएगा। और आई का मान क्या होगा, आई का भी तो मान बढ़ेगा, आई का मान बढ़ करके सी से अधिक हो जाएगा, आई इज ग्रेटर देन क्या होगा, सी। आशा करता हूँ कि आप लोग इससे समझ लिए होंगे, समझने का मतलब देखिए, आई का मान इतना बढ़ा दें कि जो आर का मान है ये 90 अंश से अधिक हो जाए, आर का मान 90 अंश से अधिक हो जाए तो किरण जिस माध्यम से आई होगी उसी माध्यम में चली जाएगी। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका नोट बना लीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक है, या फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे या इसके एग्जांपल्स होंगे, उन सबको अगले दिन, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।